स्पेस में हो गया। वेलकम बैक टू रॉयल क्वीन। गाइज आपको तो पता ही है पिछले वीडियो में मेरे और मेरे सीक्रेट रूम के साथ क्या हुआ था। तो गाइज इस बार मैंने तय किया मैंने सुनिश्चित कर लिया है कि कोई भी आज मेरे सीक्रेट रूम को ढूंढ ही नहीं पाएगा। ढूंढना तो दूर की बात है, देख ही नहीं पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा कि मैंने कहाँ पे अपना सीक्रेट रूम बनाया है। वैसे मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पे बनाऊंगी। तो गाइस फिलहाल अभी मैं हूँ छत पे और आपको तो पता ही है सेकंड फ्लोर में चल रहा है हमारा शूट, तो उनको पता चल जाएगा अगर मैं सेकंड फ्लोर पे जाऊंगी। तो मैं पहले छत पे ढूंढ लेती हूँ कि अगर मैं छत पे बना सकती हूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि रात भी हो जाएगा, छत पे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो चलो देखते हैं। चलो चलो चलो। फिलहाल मुझे मिला है ये बड़ा पाइप जैसा कुछ, पर क्या मैं इसमें फिट आ सकती हूँ? इसमें तो मेरे एक पैर ही होंगे, इसमें मैं नहीं हो सकती, फिट ही नहीं आऊंगी। अभी मैं ढूंढूंगी कि मैं कहाँ पे छिपूंगी। यार यहाँ पे कहाँ पे छिपू, कोई प्लेस नहीं है छिपने का। यहाँ पे एक प्लेस है इसके नीचे। यहाँ पे किसने अंडा अंडा फेंक के, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पता नहीं शूट के लिए यहाँ पे किसने अंडा फेंक के मारा है। और क्या बदबू भाई साहब। मैं नीचे ही ठीक हूँ, मैं नीचे चल जाऊंगा। ओके, तो मैं अभी आ गई हूँ सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे शूट चल रहा है, पर अभी कोई बाहर नहीं है, सब रूम के अंदर है। तो अगर मुझे किसी ने देख भी लिया तो मैं सबको बोलूँगी कि मैं व्लॉग कर रही हूँ, व्लॉगिंग चल रहा है अपना, और मैं साथ में ढूंढूंगी अपना पोजीशन। हेलो गाइस। हेलो, क्या कर रहे हो सब? शूट कर रहे हैं और मैं मजा पी रही हूँ। चुप हो जा सातवीं फेल। मजा नहीं है वो, माजा है, मागा। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हम व्लॉग कर रहे हैं, तुम लोग क्या शूट कर रहे हो भाई? उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी सोने वाला है? सो जाओ। तुम लोग यहाँ पे प्याज रख के क्या करोगे? प्याज से कुछ होगा यहाँ पे, प्याज वाला भी खाना, प्याज वाला प्रैंक। अच्छा यहाँ पे कोई है क्या? नहीं नहीं कोई नहीं है। छिप नहीं सकती क्योंकि ये लोग यहाँ पे बार बार आते जाते रहेंगे, बाहर चलते हैं। और किसने पता नहीं डीम फेंका है बाप रे, मेरी तो जान निकल गई इसका काम यहाँ पर ना। सही बात है। हेलो गाइस, क्या हाल है सब? आप सब अच्छे हो? हम व्लॉग कर रहे हैं, थोड़ा सा हेलो हाय बोल दो सबको। ये क्या चीज है? कवर के लिए चलता है। उसके नीचे देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। मैं यहाँ पे नहीं छिप सकती। ये जो जगह है ना, ये प्लेस बहुत ही छोटा है, यहाँ पे नहीं आएगा, फिट ही नहीं होंगी मैं। क्या हम भगवान के रूम में कुछ कर सकते हैं? नहीं, पिछली बार में इन्होंने यहाँ से भी मुझे ढूंढ लिया था। तो कहाँ पे बनाओ अपना वो सीक्रेट वाला रूम? मेरा सबसे अच्छा जो जगह है मेरे लिए छिपने का वो यही एकदम ये नीचे वाला प्लेस ही सबसे सही है, क्योंकि कोई आता जाता नहीं है यहाँ पे, बस हम लोग ही है। पर एक प्रॉब्लम है कि मैं बेडरूम नहीं यूज कर सकती, किचन नहीं यूज कर सकती, क्योंकि फिर वो लोग आके इतना तांडव मचाएंगे कि मैं बेडरूम पे फिर सो ही नहीं सकती। अब देखो पिछली बार ही नहीं मेरा ये प्लेस था, क्योंकि अभी पूरा का पूरा जैम है। मैं अगर चाहूँ भी ना तो यहाँ पे नहीं छिप सकती। यार यहाँ पे मैं छिप सकती हूँ, पर फिर सेम हो जाएगा, ये लोग आके ढूंढ लेंगे। प्यारी समझ गई। मुझे आइडिया मिल गया गाइस, मतलब मैं अगर डाइनिंग टेबल के नीचे छिप जाऊँ तो कैसा रहेगा? मस्त प्लान है। मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। यहाँ पे मैं आराम से छिप सकती हूँ, ये बहुत सही जगह है। पर मुझे यहाँ पे रूम तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाहर से इधर उधर से सब देख लेंगे, तो कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा। बात तो सही है। तो सबसे पहले जो चेयर्स है इनको हमें एकदम साइड साइड से सजा के रखना होगा, क्योंकि मैं अगर सारे चेयर्स को अलग से रख दूंगी फिर उनको शक हो जाएगा। तो सारा जो चेयर्स है मैंने एकदम सजा के रख दिया है। अब क्या है ना, मैं नीचे भी जा सकती हूँ और बाहर से किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे अभी क्या है, ये जो नीचे वाला पार्ट है पूरा का पूरा ढकना पड़ेगा, तो मुझे कुछ चाहिए। तो मैंने ले ली है माँ की साड़ी और इसका मैंने सत्यानाश कर दिया, क्योंकि बड़ा सा डोरी चाहिए मुझे इस वजह से, हाँ मुझे कच्चा चबा जाएगी अगर देखेगी तो। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं रस्सी लेकर क्या करूँगी, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, बस आपको लाइक का बटन दबाना है। पता है क्यों? क्योंकि आपने कहा है पार्ट टू करो, तो मैं पार्ट टू कर रही हूँ और आपको बस अपना काम करना है, मैं अपना काम कर रही हूँ।
डन। अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी पर्दे पर्दे पर्दे। खुशखबरी ये है कि मुझे मिल गया है मेरी बाकी एक और साड़ी पर्दा बनाने के लिए। वीडियो बनाने के बाद मैं सही सलामत रह पाऊँ। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। फाइनली मैंने साड़ी से पूरा जो ये नीचे वाला एरिया है कवर कर लिया है। अब मैं अपने चेयर्स जो है वापस अपने प्लेस में रख दूंगी ताकि किसी को शक ना हो। फाइनली इट्स डन गाइस। वो सब तो ठीक है गाइस, पर मुझे बताओ किन किन के घर में डाइनिंग टेबल के नीचे ऐसे डेकोरेशन किया जाता है कपड़ों से? मुझे नहीं लगता किसी के भी घर में होता है ऐसा, तो बस मेरे घर में होता है। अभी मैं जाऊंगी इसके अंदर लाइट लगाने क्योंकि अंदर बहुत ही अंधेरा है। तो मैं आ गई हूँ अंदर, चलो लाइट लगाते हैं। लाइटमैन 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 प्लीज। ये अच्छा है। फाइनली लाइट लगाना मेरा हो गया, पर तब से लाइट लगाते लगाते मेरा जो गर्दन है ऐसे मुंडी यूं हो गया मेरा, मतलब गले में क्या दर्द हो रहा है क्या बताऊं। कुछ मत बोलो। अरे मैं गाऊं स्पेस में हो गया। अरे ये सारे तारे तारे ने पसंद मैनो है ता सारे राधे और न तारे आदे विच जद मन वेखेगी मेरी याद जद आओगी तो पता लगेगा दिल नड़ला नहीं है तू लौण वाली है दिल तेरा जब तू तुगा तो पता लगेगा। क्या बात है। लाइटिंग तो हो गई, अभी मैं अपनी जरूरत की कुछ छोटी मोटी चीजें लेकर आती हूं। जो भी जितने पहुंचे। हाय कैसे हो आप सब? ये लोग सब अच्छे हैं। ओके तुम सो जाओ। मैं सो जाती हूँ। और मेरे पास एक बोलने वाला कछुआ भी है। वो लोग क्या कर रहे हो? तो अभी मैं अपने आप को छिपाऊंगी और अपर्णा को फोन करूंगी। इस बार मैं गर्ल्स टीम को बोलूंगी मुझे ढूंढने के लिए, देखते हैं गर्ल्स में कितना पावर है। ऑफ कोर्स है पर मुझे नहीं ढूंढ पाएगी लगता है, तो चलो मैं यहाँ पे छिप जाती हूँ। छोटा सा घर है ये मगर, छोटा सा घर है ये मगर। फिलहाल मैंने यहाँ पे अपने आप को छिपा लिया है, मतलब मुझे इतना डर लगता है कि बताऊँ भगवान मुझे बचा लेता है। मुझे बताइए ये लोग आज मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। अपर्णा को कॉल करके देखते हैं। हेलो हेलो अपर्णा। हाँ मैं छिपी हुई हूँ, तुम्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे साथ और कौन है? मेरे साथ रिया है। ओके तो तुम दोनों मिलकर मुझे ढूंढो। तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है। फोन कटने के साथ साथ टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 मिनट के अंदर अगर ढूंढ पाओगे तो फिर तुम्हें मिलेगा 30,000। 30,000? अच्छा ठीक है ओके डन। काला जादू कर रही है। ये कछुआ है, ये है एक गुड़िया, ये स्टकली है वो भी, ये इसको मैंने तेरे नाम से काला जादू कर रही हूँ। मुझे बचा लो।
30,000 देने पड़ेंगे यार। तुम लोगों को कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे तो कपड़ा नहीं रहता? कपड़ा? अरे ये तो पर्दा है, पर्दे के नीचे कपड़ा क्या बात रहता है भाई? अरे बाप रे, अभी मैं गर्दन सीधी नहीं कर पा रही हूँ। भगवान गर्दन ठीक कर दो। भगवान अब जल्दी से निकाल पैसा। तो मेरा गर्दन गर्दन बाहर में जाएगा। सीधा कर देगी। ओह नो, खत्म गया। गाइस टाइमर से पता चला एक मतलब 1:59 में 2 मिनट होने ही वाला था, तभी इन लोगों ने मुझे ढूंढा। मतलब सोचो 1 सेकंड अगर हो जाता तो मुझे ये पैसा देना नहीं पड़ता। मतलब गाइस इस बार भी मैं हार गई और मेरा जो सीक्रेट रूम था इन्होंने पकड़ लिया मुझे। तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, तुम लाइक कर दो अच्छी लगी तो, और कमेंट करो और भर के करना ताकि और हम पैसे जीत सके। इसके बाद अगर मैं छिपूंगी ना तो माँ कसम कोई नहीं ढूंढ पाएगा मुझे, घर के बाहर ही छिपूंगी। और सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब कर दो।